अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज़ अहमद और मैं आपको सिंपल टेक एंड टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको GIF बनाना यानी GIF बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए, आजकल बहुत ही रुझान बढ़ चुका है इसका। फेसबुक पे पोस्ट देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस में, बहुत सारी पोस्ट ग्रुप में ये GIF बना के लोग सेंड करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने मोबाइल में आसान तरीके से GIF बना सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कोई भी कैटेगरीज की चुन के GIF बना सकते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशन की GIF बहुत ही ईजी और अमेजिंग किस्म के है। तो प्लीज़ इसके लिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन टेक वीडियो, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऊपर बेल का निशान है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन और लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि हम ये सब कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ सर्च करेंगे योर पर्सनल GIF। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन आ चुकी है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए। मैं यहाँ से सिंपली ओपन करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे, ऊपर एडिट का निशान है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ इससे पहले आप अगर गर्ल हैं तो गर्ल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर बॉय करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, तो आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चेहरे की शेप देख सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, आप जिस तरह की भी चाहें आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये मूंछें हैं, उसके बाद कोई भी मूंछ सेलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप दाढ़ी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, सिंगल आइज है, उसके बाद ग्लास या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं, ये सभी में है। और नेक्स्ट, यहाँ पे आप कपड़े उसके सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तीन तरह के हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करने के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, जिस तरह का चाहेंगे कलर रख सकते हैं। तो इस तरह आपको सेटिंग कर लीजिए, आप जिस तरह का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और फिर सेव प्रोसीड ओके कर दीजिए, तो ये आपका तैयार हो चुका है। और उसके बाद ये नेक्स्ट कैटेगरी आप चुन सकते हैं, लाइक, लव, हग, किस, हाय, डेली, ये बहुत सारे हैं, इनको आप चुन लीजिए। कोई भी आप अगर किसी को विश करना चाहते हैं, किसी को लाइक का भेजना चाहते हैं, हाय करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइक का, तो ये लाइक में आप देखेंगे नेक्स्ट लव है, हग है, ये तीन तीन ऑप्शन आएंगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं लाइक का ही देखता हूँ। और ये देखिए, आप इनमें से कुछ चुन सकते हैं, लाइक में ये ऑप्शन है, और यहाँ ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं आई लव यू। ये देखिए, आई लव यू लिखने के बाद ये आगे निशान स्टार का सा बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका जो भी लिखेंगे वही वर्ड साथ में आ जाएंगे। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा GIF तैयार हो रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो ये GIF आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से सेव करता हूँ गैलरी में, तो अभी गैलरी में जाके देखते हैं इसको।
तो यहाँ गैलरी में देखिए ये जीफ हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी तरह का जीफ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, आप उनको चुन सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक अमेजिंग और ईजी एप्लीकेशन है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।